हम इस समय जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं, जो कि बहुत प्राचीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य हुआ सृजन पालन संगा। यहाँ वेदों का सार रखा गया, ये बहुत अध्यात्म कूट कूट के भरा गया। जैसे वेदों का सार क्या है कि एको ब्रह्म द्वितीय नाश। यहाँ ये दर्शाया कि संसारिक दृष्टिकोण में देखने में के लिए ये तीनों अलग अलग दिखाई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन यहाँ ये दर्शाया गया कि वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीय नाथ, वही ब्रह्म ही जगत का नाथ जगन्नाथ। अब हम पुराणों के दृष्टिकोण से आते हैं, तो पुराणों में आप शिव पुराण जब पढ़ेंगे तो शिव पुराण में एक दृष्टांत मिलेगा। इस संसार में पहले एक ही नाथ थे, शिवजी ही विश्वनाथ कहलाते थे और शिवजी के अलावा कोई भी देवता नाथ नहीं कहलाता था। शिवजी कई बार अखंड समाज में गए, जब ये प्रथम बार अखंड समाज में गए शिवजी, तो जो शिवजी के पास संहार पद है, ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति वहीं से हुई, तब दो नाथ हो गए, शिवजी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने। दूसरी बात देखेंगे प्राचीनता की, कि ये 12 खंभे हैं आसपास। जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं, कबूतर वाले राजा शिवी का, कि तराजू में एक तरफ कबूतर दूसरी तरफ अपना शरीर का मांस काट के रखते गए, तो ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी के जमाने बनती थी। ये पहले खुली होती थी, खंभों के बीच में सब जगह होती थी, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए तो इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा हमारे यहाँ दो वंश हुए, सूर्यवंश चंद्रवंश। चंद्रवंश में ही राजा शिवी दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए, दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुए। महाभारत हुए आज से 5000 से ज्यादा वर्ष हो गया, और महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथ पुरी बनी। इससे ये बारादरी प्रमाणित करती है कि ये उड़ीसा की जगन्नाथ पुरी से प्राचीनतम। यदि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है तो इसके मतलब पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। विनाशों से यहाँ का इतिहास जो है वो नष्ट हो गया। दूसरा और कारण देखेंगे, आप बाहर से देखेंगे मंदिर बहुत भारी दिखाई देता है, विशाल, लेकिन भीतर थोड़ी सी जगह। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर। इन दीवारों के कारण रेटिंग पुरातत्व ने कराया तो अनुमान लगाया इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार भी 1883 वर्ष हो गए, इसके बाद इसमें कोई जीर्णोद्धार नहीं। तीसरी बात देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार देखते ही बता देंगे, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति। अब आगे देखिए, इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतनाथ है, ये जो है सिंह है, इधर का सिंह खिल गया टूट गया। पशुपतनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ये आप पूरे भारतवर्ष में सर्च कर लेंगे, इस तरह की मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ना कहीं आपको सुनाई दिया होगा कि कहीं शंकर जी के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान। ये मूर्ति ये प्रमाणित करती है कि हमारे यहाँ पहले अध्यात्म बहुत प्रबल था, और अध्यात्म प्रबल होने के कारण हम लोगों की उम्र 10,000 वर्ष होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप करते गए, विकास करते गए, अध्यात्म यानी चिंतन, हमारा चिंतन कम होता गया, चिंता प्रबल होती गई, उस चिंता ने हमारी मूर्ति को घटा के सबके नीचे कर दिया। इसको जब हम इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में सेम टू सेम यही फोटो मिलती है। अभी हम ध्यान देंगे कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से मिले, चाहे वो लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। इससे मूर्ति से ये कहा जा सकता है कि इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत हालत में हमारे भारत वर्ष में कोई दूसरा स्थान नहीं होगा। दूसरी बात ये देखेंगे, अब आज प्रश्न आया कि जो उड़ीसा में सुभद्रा, बलदाऊ, कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से एक धारणा बना ली कि जगन्नाथ बनते हैं, तो ये धारणा निराधार गलत है। अभी हमने बताया कि जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति, भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते हैं और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। दूसरी बात देखेंगे, इधर यहाँ जो है आज के आधुनिक युग में इन्हें सुभद्रा मानते हैं और इधर जो है इन्हें बलदाऊ मानते हैं। अच्छा, लेकिन प्राचीन समय में इनको भगवान विष्णु के सेवक मानते थे। जैसे आप ऊपर देखेंगे कि ये जो दो दो मूर्तियां बनी हुई हैं, ये प्राचीन समय में गंधर्व लोग बनाए जाते थे कि जो कि आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब आप जब देखेंगे ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मवर्त पुराण में भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में सुभद्र और बलभद्र इनके सेवक थे, उन्हीं को आधुनिक युग में सुभद्रा और बलदाऊ से जोड़ दिया गया। चक्कर
तो ये जो ये धारणा गलत है, सुभद्रा बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं, ये धारणा निराधार गलत है, क्योंकि भगवान कृष्ण को ही जगन्नाथ जी कहते हैं। दूसरी बात, ये उन्हीं का चल स्वरूप है, तो जब रथ यात्रा होती है तो ये मूर्ति पूरे गांव में भ्रमण कराई जाती है। दूसरा प्रश्न ये देखेंगे कि ये प्राचीनतम जगन्नाथपुरी यही क्यों बनाई गई, प्रश्न ये। तो ये देखेंगे, पहली बात तो देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बने हुए हैं वो पहाड़ी इलाकों में बने या तो पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं। यहाँ समतल इलाका है, पहाड़ है नहीं, ये भारी भारी पत्थर आए कैसे, ये जितनी जो है पत्थर, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका नहीं समतल है, ये पत्थर आए कैसे। दूसरी बात, प्रश्न एक और ये खड़ा होता है यहाँ कि ये जो सिंधु हड़प्पा